हेलो ऑल वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कंट्रोल सिस्टम द सब्जेक्ट कोड इज हियर वी आर इन लेक्चर नंबर इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम क्या है और कंट्रोल सिस्टम की क्या कैटेगरीज हैं लाइक व्हाट इज ओपन लूप सिस्टम एंड वट इज क्लोज लूप सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कंपोनेंट्स दोनों सिस्टम के अंदर क्या एग्जाम्पल्स हैं लाइक फैन ए सी गीजर इमल्शन रॉड देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ योर ओपन लुप एंड क्लोज लुप सिस्टम एंड देन एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड बिटवीन ओपन लुप एंड क्लोज लुप यहां तक अभी तक हमने बेसिक बिल्कुल डिस्कस किया है कि बेसिकली ओपन और क्लोज होता क्या है नाउ इन दिस लेक्चर जो हम बात करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन जो मेन पॉइंट है इस यूनिट का यूनिट नंबर वन की अगर मैं बात करी थी आपको स्टार्टिंग uh, लेक्चर में भी कि इसके अंदर जो मेन टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर फंक्शन तो so, ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप सिस्टम के लिए क्या होता है क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्या होता है एंड देन हाउ वी कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मैथड तो यहां पे जो हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट मैथड की बात करेंगे जो कि आपने पहले ही पढ़ा है नेटवर्क के अंदर केसीएल केवल लगाना आप लोगों ने देख रखा है वही सेम चीज यहां पे आएगी बट उसको थोड़ा और इजी मैनर में कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ट्रांसफर फंक्शन वट इज ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन क्या है अब अगर मैं सिस्टम की बात कर रहे हैं सबसे पहले से हम यहां पे सिस्टम की बात लेते आ रहे हैं तो ये हमारा सिस्टम है ठीक एक सिंपल सिस्टम जिसमें हम लोग एक इनपुट अप्लाई करते हैं वी के समथिंग आउटपुट ठीक है अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कंट्रोल जो है वो आपका मेनली एस डोमेन में वर्क करने वाला है सारा का सारा एस डोमेन फंक्शन यहां पे होती है तो यहां पे जो इनपुट आपका क्लासिफाई होता है इन योर कंट्रोल सिस्टम जो पूरे कंट्रोल में चलेगा इनपुट इज डिफाइंड बाय आर ऑफ एस यानी आर ऑफ एस का मतलब क्या हो गया दिस इज इनपुट लाप्लास ठीक है दैट इज इनपुट लाप्लास मतलब लाप्लास जो सिग्नल है उसका इनपुट है और जो आपका आउटपुट यहां पे स्पेसिफाई होता है वो होता है सी ऑफ एस यानी आउटपुट जो है वेरिएबल वो बेसिकली टाइम डोमेन में सी टी है बट उसका जो लाप्लास फॉर्म है दैट इज योर सी ऑफ एस तो आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑफ एस इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ऑफ एस इन लाप्लास डोमेन और सिमिलरली ये जो सिस्टम रिस्पांस नाउ इस सिस्टम का जो अपना रिस्पांस होता है जिसे अब तक आपने अपने उसमें देखा है सिग्नल्स uh, में भी आपने पढ़ा होगा नेटवर्क्स में पढ़ा होगा कि दिस सिस्टम रिस्पांस इज रिप्रेजेंटेड बाय एच ऑफ एस जहां पे ये जो सिस्टम रिस्पांस बन जाता है इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर

इनपुट तो अगर ट्रांसफर फंक्शन को मुझे डिफाइन डिफाइन करना है, तो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन कैसे हुआ? की को कर पाते हैं. तो अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन को लिखना है तो फंक्शन की रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विध ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो नाउ अब हम ड्राइव करेंगे ट्रांसफर फंक्शन फॉर ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम का जो एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है जो आपको पूरे कंट्रोल में यूज होने वाला है उसको अब नेक्स्ट ड्राइव करने वाला है ठीक है सो लेट स्टार्ट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम तो अभी जो हम बात कर रहे थे ओपन लूप सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है ओपन लूप सिस्टम इज व्हाट बेसिकली देयर इज एन इनपुट एंड आउटपुट और यहां पे अपना सिस्टम है जिसमें कि यहां पे अब रिप्रेजेंट किया था एस राइट right? इसके अंदर जो सिस्टम रिस्पांस रिप्रेजेंट किया था दैट इज कॉल्ड जी ऑफ एस तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे हो रहा है इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एस देन वी वी गेट सी ऑफ एस तो मुझे क्या ड्राइव करना था मुझे ड्राइव करना है वॉट इज द ट्रांस फंक्शन तो वट इज ट्रांस ऑफ फंक्शन आउटपुट बाय इनपुट रेशियो दैट मीन्स सी एस अपॉन आर एस अगर हम इस सिस्टम में कैलकुलेट करें तो इज द वैल्यू बिकम सी एस अपॉन आर एस इट बिकम्स जी ऑफ एस तो दैट मीन्स द ओपन लूप सिस्टम ट्रांस ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड जी ऑफ एस तो अब यहां पे आपने ड्राइव किया एक सिंपल ओपन लूप सिस्टम को मानते हुए उसका ट्रांसऑर फंक्शन क्या वैल्यू आती है वो हमने यहां ड्राइव किया बट आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे जो हम यूनिट में बात करेंगे जहां पे भी आपको ऑफ जीओफे मिलेगा दैट जी ऑफ एस रिप्रेजेंट योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट मीन सब्जेक्टिवली से क्या बोलूंगा ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन एक और नाम भी हम इसे बोलते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन फॉरवर्ड पाथ बिकॉज फॉरवर्ड पाथ क्यों बोल रहा हूँ फॉरवर्ड पाथ बोल रहा हूं क्योंकि ये जो फंक्शन है ये जो सिस्टम रिस्पॉन्स है सिस्टम फंक्शन है ये आपका लगा है इनपुट से आउटपुट के पाथ में यानी इनपुट से आउटपुट जो हम जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पाथ, और उस फॉरवर्ड पाथ में जो हमें फंक्शन मिल रहा है दैट इज जी ऑफ़ एस इसलिए इसे फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं ओके okay? सो so, अब आगे के लिए याद रखिएगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम अगर कैलकुलेट करना है तो दिस इज द सिंपल वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम और जीएस जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड पाथ और सिंपली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओके चलिए नेक्स्ट इसी तरह से सिमिलर बेस पे ड्राइव करते हैं क्लोज लूप सिस्टम के लिए सो क्लोज लूप सिस्टम क्या हुआ नाउ क्लोज लूप सिस्टम अगर हम ओपन लूप सिस्टम में ये हमारा इतना ओपन लूप सिस्टम था इनपुट अप्लाइड इन द जीएस देन वी गेट द आउटपुट सीएस नाउ क्लोज लूप सिस्टम है तो देर विल बी ऑल्सो फीडबैक तो यहां से आउटपुट का कुछ पार्ट फीडबैक में गया दिस इज द फीडबैक एलिमेंट फीडबैक नेटवर्क और यहां से आप इनपुट के साथ इस नेटवर्क को कंपेयर करते हैं दैट इज द एरर डिटेक्टर जिसे हमने पढ़ा था और यहां पे आपका एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है जिसे यहां पे रिप्रेजेंट किया है ई ऑफ एस दिस इज द एरर सिग्नल राइट तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम हो गया हमारे कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का अब इसमें भी मुझे वही सेम रेशियो ड्राइव करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीएस अपॉन आर एस की यहां पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट क्या होने वाली है इज अपॉन तो सेम मैनर में इसे भी ड्राइव करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो वट इज द वैल्यू ऑफ सी एस सीएस की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है अगर आप सीएस देखेंगे तो दिस टाइम सीएस इज इक्वल टू ईएस दैट इज द इनपुट मल्टीप्लाई बाई जीएस ठीक है तो सीएस इज इक्वल टू ईएस मल्टीप्लाई बाय जीएस वी गॉट सी एस नाउ ट इज द वैल्यू ऑफ दिस ई एस एर सिग्नल की वैल्यू यहां पर क्या है तो एरर सिग्नल की वैल्यू क्या है दिस इनपुट फंक्शन माइनस दिस फीडबैक और यू कैन से प्लस दिस फीडबैक अब यह डिपेंड करता है कि आपका फीडबैक कैसा है आइदर इट इज पॉजिटिव फीडबैक आइदर इट इज पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दो टाइप के आपके फीडबैक होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही सिंबल रिप्रेजेंट किया लाइक प्लस एंड माइनस और इस फीडबैक सिग्नल को हमने यहाँ पे लिखा है बी ऑफ एस ओके सो डेट मीनस ई एस की दोनों वैल्यू पॉसिबल है ई एस हो सकता है आपका आर एस प्लस हो जाए बी एस ओके या आर एस में माइनस हो जाए बी ऑफ एस ठीक है सो इस तरह से हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक like अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव फीडबैक आप लेकर चल रहे हैं तो केवल प्लस आएगा अगर आप नेगेटिव फीडबैक लेके चल रहे हैं तो वी विल राइट ऑनली नेगेटिव ओके तो से स्टार्ट करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एस बिकम्स तो ई एस हमारा यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज 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 इक्वल टू प्लस प्लस माइनस माइनस दैट द द वैल्यू बिकम्स राइट नाउ व्हाट सिग्नल वैल्यू बी ऑफ एस अब अगर आप यहां बी ऑफ एस की वैल्यू देखेंगे तो बी ऑफ एस कितना है बी एस जनरेट हो रहा है कैसे जब ये आउटपुट सी एस मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें एच एस में तो यानी कि बी ऑफ एस की वैल्यू बनती है ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन बदल जाएगी आर ऑफ एस प्लस माइनस बी एस की जगह आपका आ जाएगा सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस देन मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस दिस इज इक्वल टू सी ऑफ एस राइट अब हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें तो कैलकुलेट करना है अपॉन तो सिंपली वाले टर्म एक साइड ले आइए आर एस वाले टर्म एक साइड आ जाएंगे तो अब जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली बनेगा सी एस इंटू एच एस इंटू जीएस

Rs बाय जीएस आर एस मल्टीप्लाई बाई जीएस अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है मुझे कैलकुलेट करना था सी एस अपॉन आर एस तो फाइनली सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू क्या जीएस डिड बाई वन माइनस प्लस जीएस इन टू एच एस वन माइनस प्लस जीएस एच एस यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव फीडबैक था ठीक है इफ इट इज पॉजिटिव फीडबैक तब यहां पे फॉर्मूला बनेगा जीएस अपॉन वन माइनस जीएसएचएस इफ यू हैव पॉजिटिव फीडबैक जीएस अपॉन वन माइनस जीएसएचएस और अगर यहां पर नेगेटिव फीडबैक आएगा तब यहां पर फॉर्मूला बनेगा जीएस अपॉन वन प्लस जीएसएचएस ठीक है इफ इट इज ए नेगेटिव फीडबैक जो कि आपका जनरली बाई डिफॉल्ट यूज होगा तो वहां पर मैं मोस्टली जगह यूज करने वाला हूं फॉर्मूला जीएस अपॉन वन प्लस जीएस इन टू एच एस राइट तो यहां पे दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और यहां पे आपको ये चीज याद भी रखनी है क्योंकि आगे बीइंग अ बींग हर जगह ये आपका जो क्लोज uh, लूप का फंक्शन है जो एक तरह से ट्रांसफॉर फंक्शन बन के आया ये हर जगह यूज होगा हाँ बट इसमें क्या चीज मेन इंपॉर्टेंट है कि वॉट इज जीएस एंड वट इज एच अब आप इस डायग्राम में स्टैंडर्ड लेके ले याद रखिएगा कि हमने पहले ही पढ़ा है ओपन लूप के अंदर वॉट इज जीएस जीएस इज कॉल्ड

ट्रांसफर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम की जैसे ही आपको कहीं पे भी क्लोज लूप सिस्टम के function के बारे में यूज करना है तो जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा नेगेटिव फीडबैक तो ये फॉर्मुला आपका पूरे के पूरे उसमें मोस्टली जगह पे यूज होने वाला है ओके okay? नेक्स्ट तो ये तो हो गई बात सिंपल जो हमने अभी तक दोनों फंक्शन पढ़े दोनों सिस्टम पढ़े ओपन लूप और क्लोज लूप उसके ट्रांसफॉर्मशन के बारे में अब अगर मैं फर्दर ट्रांसफॉर्मशन को आगे बढ़ाऊं तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जिनके थ्रू हम यहाँ पे इस पूरी यूनिट में को ड्राइव करेंगे तो फर्स्ट मैथड इज कॉल्ड द डायरेक्ट मैथड सेकेंड मैथड इज कॉल्ड ब्लॉक डाइम रिडक्शन एंड द थर्ड मैथड इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ तो तीनों ही मैथड बिल्कुल सेपरेट है जो आपके पूरी यूनिट में यूज होंगे

क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को डील करने वाला हूं तो so, यहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन मैंने चूज किया है फाइंड द फंक्शन ऑफ द गिवन नेटवर्क एंड दिस इज द नेटवर्क इस नेटवर्क का मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है आई थिंक ये क्वेश्चन आप पहले भी नेटवर्क में कर चुके हो सो so, अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट है बट इसको मैं एक दूसरे मेथड से बताऊंगा जो शायद में भी आपनेटवर्क में ना देखा हो सो so, सबसे पहले जो गिवन सर्किट है इसका हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसफर फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन क्या रिक्वायर्ड करता है ट्रांसफर फंक्शन को चाहिए एस डोमेन ठीक है यानी ट्रांसफर फंक्शन रिक्वायर्ड एस डोमेन यानी कि लाप्लास डोमेन तो लाप्लास डोमेन में कैसे आएगा लाप्लास डोमेन में आएगा सबसे पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन एस डोमेन यानी कि लाप्लास में इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अब अगर सर्किट को लाप्लास डोमेन में आप कन्वर्ट करेंगे तो हाउ द सर्किट बिकम्स यू रिमेंबर आर कन्वर्ट हो जाता है आरमी आर आरमी रहता है एल जो होता है हमारा कंपोइंट वो एस एल में कन्वर्ट हो जाता है और सी कंपोइंट जो होता है वन बाय सी में कन्वर्ट हो जाता है दीज आर द्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे एलिमेंट्स पे यूज होती है अगर इस सर्किट को मैं कन्वर्ट करूं तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या आ जाएगी ये सर्किट कन्वर्ट होके आ जाएगा लाइक दिस आर आर्मी रहेगा एल जो है वह आपका बन जाएगा एस एल

सो so, जो हमें डिटरमाइन करना है वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट हमें डिटरमाइन करना है आउटपुट इन लाप्लास डोमेन डिवाइडेड बाय इनपुट इन लाप्लास डोमेन की वैल्यू क्या आने वाली है व्हाट इज दिस ट्रांसफर फंक्शन अब इसे कैसे कैलकुलेट करूं सिंपल यहां पे आप एक केवीएल अप्लाई कर दीजिए तो जब आप यहां पे केवीएल अप्लाई करेंगे दिस इनपुट लूप में तो यहां पे केवेल लिखा जाएगा इनिशियल वोल्टेज इज बी आई एफ एस माइनस ड्रॉप कहां पे आएगा ड्रॉप आएगा आर इन टू आई एफ एस माइनस उसके बाद इस इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप बनेगा एस एल इंटू आई एफ एस इज इक्वल टू जीरो का फंडा एक इनिशियल वोल्टेज से स्टार्ट करते हुए मैंने सारी वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर दिया सो तो वी आई एफ एस माइनस आर ऑफ आई एस माइनस एस एल आई एफ एस इज इक्वल टू तो जीरो तो यहां से जो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं यहां पे मैं कैलकुलेशन करूंगा इनपुट वोल्टेज यानी वी आई एफ एस की आई ऑफ एस क्या बनेगा आर प्लस एस एल मल्टीप्लाई बाई आई एस राइट वैल्यू ऑफ बी आई ओफ एस नाउ सिमिलरली नॉट ऑफ एस कैलकुलेट कीजिए तो कैलकुलेट करेंगे तो of S is equal to of S क्या बनेगी? अब हमें केवल एस लगाना पड़ेगा तो क्रॉस आएगा केवल एस एल इन टू आई ऑफ एस के क्रॉस आपका वी नॉट ऑफ एस जनरेट होगा राइट right? सो नाउ आई आई हैव हैव ऑफ ऑफ तो मुझे कैलकुलेट करना वी नॉट डि वी आई तो मैं क्या करूं इस वी नॉट वाली इक्वेशन से वी आई वाली इक्वेशन को कर दीजिए डिवाइड ठीक है यानी बाय तो सिंपली ये वी नॉट बाई वी एस हो जाएगा और यहां पे ये वैल्यू भी डिवाइड में आप रख देंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एस एल इंटू आई ऑफ एस तो यहां से आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो जो लास्ट आंसर हमारे पास बचेगा दैट दस एल डिवाइडेड बाय आर प्लस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिसन नेटवर्क हो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत बेसिक से स्टेप है कि बायल हम किस तरह से आउटपुट और इनपुट का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं राइट right? अब अगर मैं बात करूं कि इस नेटवर्क को मैं एक और मेथड है मेरे पास जिसके थ्रू मैं इस नेटवर्क को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं यानी मैं आपको दे सकता हूं एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड ठीक है क्यों क्योंकि यहां पे हो सकता है अभी तो नेटवर्क आपको ये दिखाई दे रहा है हो सकता है आपके नेटवर्क में यहाँ पे एक से ज्यादा कंपोनेंट लगे आ जाए राइट right? एक से ज्यादा कंपोनेंट आ गए या हो सकता है आपके पैनल में कंपोनेंट आ जाए राइक नेटवर्क आपको ये मिल जाए तो इस केस में जो आप केवीएल मार्क करना शुरू करेंगे तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है आप शायद इजिली लगा लें बट यहां पे जो आप पैल कॉम्बिनेशन आता है उस पैलल कॉम्बिनेशन में आप करंट डिविजन या समथिंग लाइक दैट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो अगर हमारे पास इस टाइप का कोई भी नेटवर्क है तो मैं उसे एक अनदर नेटवर्क में फॉर्म कर सकता हूं आई कैन कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इन लाइक दिस फॉर्म एक बेसिकली इंपेंस सीरीज ब्रांच में है और एक इंपिडेंस आपका वर्टिकल ब्रांच में है। तो दिस नेटवर्क इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ नेटवर्क जहां पे आपका Z1 है Z2 है Vi आई ओफ एस है और वी नॉट ऑफ एस है ठीक तो कोई भी नेटवर्क होगा जो भी मैं आगे दो तीन नेटवर्क यूज करने जा रहे हैं इस लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में तो उसे हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बट रिमेंबर इस नेटवर्क में केवल कितनी ब्रांच यूज कर रहा हूं मैं ओनली एंड ओनली टू ब्रांच Z1 एंड Z2 तो अगर नेटवर्क में केवल Z1 और Z2 ब्रांच है तब तो आप इसे कन्वर्जन कर सकते हैं अदरवाइज अगर आपका सपोज एक के बाद मैं एक और ब्रांच लगा दू यहां पे भी सपोज मैंने रेजिस्टेंस दे दिया नाउ इट इज इज नाउट नॉट तब उस केस में आप इसे डायरेक्ट में कन्वर्जन नहीं कर सकते तो जो यहाँ पे कंट्रोल में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है वो यही सिंपल सा क्वेश्चन आता है इन टू मार्क्स केस कि आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए तो उसे आप सिंपली इस मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके सो नाउ इफ वी आर यूजिंग दिस मेथड मतलब दिस टाइप ऑफ सर्किट तो इस सर्किट का बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा तो अगर मैं इसमें वही केवीएल मैथड अप्लाई करूं जो भी हमने सीखा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ऑफ ऑफ टू वट इज इक्वल टू जीरो वट इज द वैल्यू ऑफ वी वन ऑफ एस यानी वी आई ऑफ एस ये हो जाएगा हमारा जेड वन प्लस जेड टू मल्टीप्लाई बाय आई ऑफ एस राइट नाउ सिमिलरली वी टू के लिए केवियल लगा लीजिए तो जब हम वी के लिए आउटर लूप में केवल लगाएंगे आउटसाइड केवेल या सेकेंड केवेल आप लिख सकते हो ठीक है सो वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा जेड टू इन टू आई एफ एस एंड सिंपली अगेन सेम वही चीज कि आउटपुट यानी वी टू एफ एस डिवाइड बाई वी वन और एफ जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा जेड टू डिवाइडेड बाय जेड वन प्लस जेड टू क्योंकि आई एस आई एस दोनों का हो जाएगा कैंसिल आउट तो अल्टीमेटली इस सर्किट का जो ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को मिलने वाला है दैट इज ऑलवेज

तो सेम फॉर्मुला आप यूज कर सकते हो किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी नेटवर्क के अंदर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बट वॉट इज द लिमिटेशन लिमिटेशन इज दिस कि आपके नेटवर्क में केवल और केवल यही दो ब्रांच अवेलेबल होनी चाहिए इसके अलावा तीसरी ब्रांच नहीं होनी चाहिए तभी मैं इस फंक्शन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता राइट right? तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे आपका और uh, क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बन जाएगा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर uh, हो जाएगी सो लेट इट्स टेक अनदर क्वेश्चन

आर प्लस एस एल प्लस वन अपॉन एस सी यानी आप एल्सियम ले लीजिए तो यू विल गेट द दन अपॉन दिस बिकम एस स्क्सर आर दिस बिकम एस आर सी प्लस एस स्क्वायर एल सी प्लस वन और आपका एल्सियम से एस सी कैंसल आउट हो जाएगा द दिस बिकम आंसर सो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन नेटवर्क जब हम उसे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू दिस सर्किट z1 z2 जेट की फॉर्म जेड तो वन क्या है कैलकुलेट लिख दीजिए कैलकुलेट क्या कर दीजिए तो और ये वैलिड है आप पेपर में यूज कर सकते हैं इस फॉर्मुले के थ्रू आप क्वेश्चन uh, को सॉल्व कर सकते हैं बट रिमेंबर वन थिंग लिमिटेशन इस सर्किट की लिमिटेशन केवल जेड वन और जेड टू दो ही मेरे पास इंपिडेंस होने चाहिए अदरवाइज में इस नेटवर्क को अप्लाई नहीं कर सकता राइट right? एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने सीरीज ब्रांच का लिया था ना तो नेक्स्ट वन आई थिंक आप लोग आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आर और सी को पैल में अटैच कर दिया राइट right? तो दिस दिसन गिवन नेटवर्क इस नेटवर्क के लिए सेम ट्रांसफर फंक्शन की कैलकुलेशन करनी है तो वही सेम चीज कि इस नेटवर्क को मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूं बिकॉज यहाँ पे एक ही ब्रांच है सीरीज uh, में ठीक है हॉर्जेंटल सिस्टम बोलते हैं और ये दोनों कंपोनेंट पैरल में हो जाएंगे ठीक है तो दिस विल बिकम सिंगल ब्रांच तो अगर आप इसे लाप्लास में लिखेंगे तो लाप्लास में कुछ इस तरह से आएगा ये आर वन की जगह आर वन सी की जगह right? okay? अब मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं दिस सर्किट यहां पे जेड वन की वैल्यू क्या है और जेड टू की वैल्यू क्या है वो मुझे कैलकुलेट करनी है तो वट इज जेड टू तो जेड टू तो मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है जेड टू इज इक्वल टू आर टू राइट जेड टू इज इक्वल टू आर टू ठीक आर टू को लाप्लास में कन्वर्ट करिए आर टू रहा तो जेड टू की जगह क्या है आर टू है नाउ व्हाट इज जेड वन जेड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जब आप नेटवर्क जब आप एलिमेंट को लाप्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दिस बेसिकली बिकम्स एन इम्पिडेंस बेसिकली बिकम्स एन इम्पिडेंस तो अगर दो एलिमेंट का पैरेलल सॉल्व करना है तो पैरेलल में फिर रिमेंबर द फॉर्मुला आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू होता है ठीक है राइट अगर दो नेटवर्क पैल हैं दो रेजिस्टेंस पैल हैं तो हम उन्हें इस फॉर्मुले से सॉल्व कर लेते हैं तो सेम चीज आप यहां पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वन ओवर एस सी मल्टीप्लाई बाय आर वन डिवाइडेड बाय वन ओवर एस सी प्लस आर वन यानी कि इसको पूरा एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करें तो एस सी एल्सियम हो जाएगा ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा दिस इज आर वन एस सी डिवाइडेड बाय वन प्लस आर वन एस सी ओके दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है

गिवन नेटवर्क यूजिंग डायरेक्ट अप्रोच जिसमें मैं सर्किट को Z1, वन टू की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं या आप कह सकते हो आप डायरेक्टली केवीएल केवीएल लगा के इस मेथड को सॉल्व कर सकते हो बट अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगाने को बोलूं तो यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट हैं जिनको आपको पैरेलल में यूज करना है तो आप यहां पे करेंट डिवीजन में कई बार गलती कर जाते हैं तो इसलिए बहुत सिंपल है कि इसको आप इस मैथड में कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मुला जेड टू वर्ड वन प्लस दिस आई कैन सेट कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना सीख लिया है ओपन लूप सिस्टम के लिए क्लोज लूप सिस्टम के लिए एंड व्हाट इज द डायरेक्ट अप्रोच कि हम किसी भी गिवन नेटवर्क के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच मेथड नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इस पे एक दो क्वेश्चन लेके आऊंगा और क्योंकि यहां पे लिमिटेशन है इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कि हम यहां पे दो ही ब्रांच यूज कर रहे हैं तो अगर दो से ज्यादा ब्रांच होगी उस केस में हम कैसे ट्रांसफॉक्शन कैलकुलेट करेंगे वो चीज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जहां पे आपकी ये सर्किट काम में नहीं आएगी ओके सो यहां पे इतना ही छोड़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू